किस लेवल पर सर? 900 998 पे? यस मैडम। ठीक है, कब तक रुकना चाहते हैं? मैडम 6 months 1 year। 6 महीने से 1 साल तक का आपका नजरिया है? यस मैडम। चलिए ठीक है, आपको बताते हैं। ध्वनि, पिछले 1 महीने की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बैग ग्रिप में ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 13.5% तक का डिप कीमतों में। और मेरे ख्याल से एक जो हमने लेवल छूता हुआ देखा था 1100 के आसपास का, उसके बाद से तो लगातार नीचे ही है। इनकी बाइंग प्राइस हालांकि 998 है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का नजरिया है इनका, इतना समय देना चाहते हैं। कोई ट्रेंड रिवर्सल और एक स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक? बिल्कुल कविता, सारे सवालों का यहाँ पे जवाब देते हुए, सबसे पहले तो टाटा मोटर्स के अंदर अगर आप देखें तो 1000 रुपए का ही यहाँ पे एक स्तर था, जो स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जहां से हमने इसके अंदर एक रिवर्सल पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा था। और फर्दर एक गैप डाउन जो इसके अंदर हुआ, उसके बाद वही एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। इसका अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखें तो कल की सेशन में जिस हिसाब की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, स्टॉक ने अपनी जो अहम 200 पीरियड की ईएमएस होती है उसके नीचे क्लोजर दिया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल यहाँ पे साइडवेज या बेरिश साइड का बनता हुआ दिखने को मिल रहा है। इनको मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि जैसे ही स्टॉक यहाँ पे अपना 915 का लेवल ब्रीच करेगा ऑन द लोअर साइड ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो वीकली पे भी आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने वापस से अपनी जो वीकली एवरेजेस होती है शॉर्ट टर्म की, उनके नीचे क्लोजर दे दिया है। और जिसके बाद आपको इसके अंदर गिरावट जो है वो यहाँ पे 830 से 825 रुपए तक के गहराती हुई देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल भी रिवर्सल या सपोर्ट्स जो भी है वो नहीं देखने को मिल रहे हैं नियर टर्म में, तो इससे हाल फिलहाल के लिए एग्जिट कर लें। चलिए, तो ये सलाह आपको एग्जिट करने की टाटा मोटर्स में दी जाए।